वहीं आगर मालवा से 30 किलोमीटर दूर लखुंदर नदी तट पर विराजमान मां बगलामुखी के दर्शन मात्र से ही लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्र के दिनों में हर साल यहां हजारों श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए आते हैं। मान्यता है कि महाभारत काल में यहीं से पांडवों को विजयश्री का वरदान प्राप्त हुआ था। यह है मां बगलामुखी का दरबार। आगर मालवा के नलखेड़ा में मां बगलामुखी के दरबार में देश विदेश के श्रद्धालु अपनी मुरादें लेकर आते हैं। कहा जाता है कि मां बगलामुखी की मूर्ति दुनिया में केवल 3 स्थानों पर विराजमान है, एक नेपाल में है तो दूसरी मध्य प्रदेश के दतिया में और तीसरा नलखेड़ा का दरबार है। कहा जाता है कि नेपाल और दतिया में श्री श्री 1008 आदि शंकराचार्य ने माँ की प्रतिमा स्थापित की थी, जबकि नलखेड़ा में माँ बगलामुखी की प्रतिमा स्वयंभू है। यह मंदिर पांडवकालीन है और मूर्ति स्वयंभू है, किसी के द्वारा यह मूर्ति स्थापित की गई नहीं है। और यहाँ बहुत दूर दराज से दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन करते हैं। मंदिर के चारों तरफ शमशान है जो पूजन करते हैं और साधु संतों की यहाँ पर समाधियाँ हैं। जो पहले के जमाने में साधु संत यहाँ समाधि लेते थे, उनकी समाधियाँ आज भी मौजूद है। पौराणिक मान्यता है कि महाभारत काल में पांडव जब विपत्ति में थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मां बगलामुखी की उपासना करने के लिए कहा था। तब मां की मूर्ति एक चबूतरे पर विराजित थी और पांडवों ने मां के आशीर्वाद से ही महाभारत में विजय हासिल की थी। सुना है बहुत शक्ति माता है और यहां पर हवन कराने से जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और हमारे यहाँ परिवार इंदौर से बहुत आते हैं, यहाँ ये दूसरी बार आए अभी भोपाल से। और माता जी का मंदिर बहुत ही पवित्र वर्षों पुराना है। कहा यह भी जाता है कि माँ का दरबार 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिनके दर्शन मात्र से ही धन विद्या और वैभव की प्राप्ति होती है। माँ के दरबार में विजय का वरदान भी मिलता है। यही वजह है कि नेता और अभिनेता माँ के दरबार में जीत की कामना लेकर पहुंचते। राहुल जोशी, बंसल न्यूज, आगरमालवा।